मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप कैसे एआई की हेल्प लेके अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आप इससे हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए कैसे पोस्ट को या एड को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एआई की हेल्प से। तो चले चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ओपन है, और जैसे कि मैं आप लोगों को अभी यहाँ बताता हूँ कि मैंने थोड़ा सा ये आइडिया लिया है जिसकी वजह से मैंने खुद इजीली ये इमेज को जनरेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ये कमांड दी कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर इन यूएई फॉर वॉचेज एंड ग्लासेस, द प्राइस ऑफ वॉचेज आर अंडर 50 dirham, सजेस्ट फॉर मी टारगेट ऑडियंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज मैंने इसको ये बोला है कि मैं यूएई में वॉचेस और ग्लासेस का एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मेरी वॉचेज की जो प्राइस है वो 50 dirham से कम है, तो मुझे सजेस्ट करे मेरी टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन सी होगी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने सजेस्ट किया कि यंग प्रोफेशनल्स, टारगेट यंग एडल्ट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर फैशन कॉन्शियस। देन सेकंड नंबर पे उसने मुझे दिया स्टूडेंट्स, देन एक्सपर्ट्स, फिर टूरिस्ट, गिफ्ट शॉपर्स, ऑनलाइन शॉपर्स, सोशल मीडिया यूजर्स, प्राइस कॉन्शियस शॉपर्स, फैशन एंथुसिएस्ट, लोकल कम्युनिटीज, सब्सक्रिप्शन बॉक्स कस्टमर्स, हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, लग्जरी शॉपर्स। जी हाँ, ये 13 मुझे उसने एक टारगेटेड ऑडियंस बना के दे दी है इजीली। अब मुझे ये चीज पता चल गई है कि मेरे प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन कौन सी होगी। मैं अगर इसमें से एक भी अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं उसके हिसाब से ही अपनी इमेज या मैं अपनी एड को क्रिएट करता हूं, तो वो देखें इसने मुझे किस तरह की बेहतरीन बना के दी है। अब मैंने उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को मजीद कमांड किए, क्रिएट एंड इमेज एड फॉर फेसबुक अबाउट माई प्रोडक्ट्स विच आर डिस्कस्ड अबव एंड टारगेट ऑडियंस इज यंग प्रोफेशनल। जी हाँ, अब मैंने इसको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बोला है कि मुझे फेसबुक की एक इमेज एड को जो क्रिएट करके दे, और वही प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर बताई गई हैं, लेकिन मेरे टारगेट ऑडियंस यंग प्रोफेशनल्स होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख के हैरान रहने के इसने कैसे और किस तरीके से मुझे ये बोला कि आप इस टेक्स्ट की इमेज को जनरेट करो। यहाँ पे वो बोल रहा है कि क्रिएट एन इफेक्टिव इमेज एड फॉर फेसबुक टू टारगेट यंग प्रोफेशनल्स इन द यूएई फॉर योर वॉचेस एंड कॉमर्स एंड ग्लासेस ई कॉमर्स स्टोर आर रिक्वायर्ड अ विजुअली अपीलिंग डिजाइन एंड कंपाइलिंग कॉपी एयर इज सैम्पल एड। अब वो कह रहा है कि इमेज में आपका इमेज कैसे होना चाहिए, अ स्लीक इमेज फीचरिंग अ स्टाइल रिस्ट वॉच एंड ट्रेंडिंग आई ग्लासेस परफेक्टली पोजिशन अगेंस्ट द मिनिमलिस्ट अपस्केल्ड बैकग्राउंड। अब यहां से ये टेक्स्ट को मैंने जब कॉपी किया और उसके बाद ये कॉपी करने के बाद मैंने Lenovo.io के ऊपर जाके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जब मैंने जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये 3 इमेजेस मुझे इसने यहाँ पे बना के दे दिए। ये 3 इमेजेस बेहतरीन रहे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 इमेजेस किस किस तरह को शो कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने हाथों में घड़ियां पहनी हुई है और ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी सेम इस लेडी ने हाथ में घड़ी पहनी हुई है और इसने ग्लासेस भी लगाए हुए हैं। अब जब मैंने इस इमेज को डाउनलोड करके मैंने कैनवा के अंदर जब इसको थोड़ा सा एडिट किया तो उसके बाद ये वाली शेप में मेरे पास इमेज बन के आ गया। और आप इस इमेज को देख के या इस एड को देख के आप हैरान रह जाएंगे कि ये एड किस कदर खूबसूरत और बेहतरीन बना है आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन वगैरह की पोस्ट के लिए। आप इसको यूट्यूब के ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप इसको एज अ पोस्ट या एज अ इमेज भी ले सकते हैं। और इस इमेज को बनाने के बाद आप अपनी पोस्ट के अंदर या आप अपनी एड के अंदर ये सब कुछ लाजमी लिखें जो कि चैट जीपीटी या एआई आपको क्रिएट करके दे रहा है। जब अब वो कह रहा है कि टेक्स्ट ओवरले क्या होना चाहिए, इवेल्युएट योर स्टाइल विद अफोर्डेबल एलिगेंस। जी हाँ, आप इस एड में यहाँ पे किसी भी जगह पे आप इस टेक्स्ट को एड करके मजीद अपनी एड को बेहतरीन दिखा सकते हैं। देन उसके बाद उसने शॉप नाउ एंड एंजॉय, देन उसके बाद वो बोल रहा है कि आप ये इमेजेस ये टेक्स्ट को अपनी एड के अंदर यूज कर सकते हैं, अपने फेसबुक एड में, अपने गूगल एड वगैरह में। और इसी तरह से अगर आप इमेज या अपनी एड को
चैट जीपीटी के हवाले से या चैट जीपीटी की मदद से अगर आप डिजाइन करते हैं तो यकीन जाने कि बेहतरीन से बेहतरीन किस्म का एड आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अभी इस एड में बहुत ज्यादा एडिटिंग होना बाकी है, लेकिन ये एड एज अ सैंपल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इजीली कैसे मैंने ये इस इमेज को डाउनलोड किया Leonardo.ai से और उसके बाद मैंने ये वाला इमेज जनरेट करके आप लोगों के सामने आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इसको जरूर लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।